अच्छा, इंसान अगर पैदाइशी तौर पर भी ज़हीन और बहादुर हो तो भी उसको अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत तो होती है। तारीख में कुछ ऐसे मेंटोर्स भी गुजरे हैं जिन्होंने कम सिन राजाओं को बड़ी बड़ी सल्तनतों के महाराजा बना दिया, और आज हमारे 70-70 साल के सियासतदान कह रहे होते हैं कि हमें तो आवाम की खिदमत करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरह किसी को सड़क से उठा के सुपरस्टार बना दिया जाता है, लेकिन हकीकत में तारीख में एक ऐसा वाकया पेश आया है जब एक बला के जहीन शख्स ने अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए एक राह चलते कमसिन नौजवान को जंगजू बना दिया। और इस वक्त हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं वो बला के जहीन शख्स चाणक्या कौतालिया, और उनके साथ मौजूद हैं वो जंगजू चंद्रगुप्त मौर्य। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तिया। सबनु साडा सलाम। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि धानानंदा ने आखिर आपकी क्या ऐसी इंसल्ट कर दी थी कि आपने बकायदा उसकी फौज के आगे एक फौज खड़ी कर दी और सल्तनत गिरा दी उसकी? उन्हें मेरे सामने पहली गलत यह की कि उन्हें दानानंदा ठीक नहीं से कीता। फिर लैसी हो ना उन्हें दानानंदा करना आंदा सी। दानानंदा की होंदा है? क्या दानानंदा दानानंदा दानानंदा? इसलिए मैं अपना शागिर्द चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ये मैंने जंगल च मिलया। अच्छा, भज रहा से कभी इधर जाए कभी इधर जाए। मैं देखा उस्ताद रीना उथे खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे। आपने अजीम जंग जो बनने के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग ली थी? जी इन्हें घोड़सवारी की ना वो किसी ने नहीं की। आइडिए हूं हो रहे ने फिल्मों के सब तो पहले ये घोड़े तक खलोता से चेदा चेदा भी करते घोड़े से जाना कहना भाई स्टैंड चुक लो। उस्ताद होरां ने मेरी जी प्रैक्टिस कराई है ना दो घोड़े एक से इधर मेरी लत सी एक से मेरी इधर लत सी। वाह। और मैं दो घोड़े दड़ाए ने इंज कर जा रहा है ते घोड़े दौड़ रहे ने। अचानक मैं की देखा है एक घोड़ा इधर निकल गया एक इधर निकल गया। और ये शागिर्द मैं अपना टाली दे उत्तर लाया। ए गुप्त जरा तो हमला सरिया भी बिंगा करता रहा सर्कस थोड़े पैसे लेके चपेड़ा खादी होंगी। जंग शुरू हो गई जी। अच्छा, ये जंग शुरू हो गई? ये जंग है। किसी की मोटरसाइकिल फस जाए ना गुत दे नाल बन के कटदा खिच भाई चल आ भाई दूसरी बिल्डिंग तो बिल्ला कमा के थले सुटे होंदा। आहा जंग शुरू फायरिंग। बच्चों नाल भी खेलदा है। अच्छा, ये तो फाउल खेला इन्होंने आपके चंद्रगुप्त ने। क्यों जी इतनी लंबी जुगत? मेरी जुगत तू खा देख लेन पांच छह जीत गए। चांकिया बच्चिया ना भी खेड़दा है गुत घुमा के कहंदा कोकला शिफा की जू मेरा जी। जब बच्चा साह लैके तो खेमा पाड़ दिंदा हुंदा क्या कहने माई मुछा उगी होंगे। नहीं 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 फिकी। आप तो बला के जहीन शख्स थे आप क्यों खुदकुशी कर रहे थे? उस्ताद हुरा नु किसी ने की जुगता? किसी ने नहीं पुत्र पूरे दरबार ने की। देखो उस बादशाह वाली मैं की नहीं कीता तुझसे जी जी रिसर्चर हो। हाँ जी मैं यही कहूंगा कि बेसिकली ये गए थे कि उसने बुलाया कि जी आके मुझे बताएं कि सिकंदर यूनानी जो है वो हिंदुस्तान पर हमला हो। जब ये जाके इन्होंने बताया कि हमें ये चाहिए कि हम जो भारत जो है वो बटा हुआ है तो हम क्यों ना एक राजा बनाए और पूरा अखंड भारत बनाए जिस तरह आज मोदी कर रहा है। तो जब मशवरा ये दिया गया तो धानानंदा ने कहा कि ये कौन आ गया इसको तो यहाँ से भेजो। तो तब इन्होंने कहा जी मैं अपनी चोटी कभी नहीं बांधूंगा। उठे हुई वीना जी जुगता धानानंदा की पूरी टीम सी आपकी जहानत का मजाक उड़ाया। मैं गल करा तो लाफ्टर ना देन उन्होंने दरबार जुगता करनी है मैनू। अच्छा मैं अगू मीना जी बड़ी बड़ी पक्की गल की कोई भी ना हसे इस वजह मेरी लड़ाई उठे हुई। अच्छा फिर मैं उस टेंशन दे निकले उतो खुदकुशी मैं कहा खुदकुशी कर ला उथे बच्चा मैं मिलया। तो इस बच्चे को देख के धानानंदा उस वक्त उसके पास बेहतरीन फौज थी आपको क्या ख्याल आया कि ये उसके सामने खड़ा हो जाएगा? असल सब तो पहले मैं उन्होंने समझाया कि सिकंदर दे सामने इस तरह ना जाओ सिकंदर मारेगा तन जुतियां। क्यों ना असि इकट्ठे होके पै जाइए उन्होंने। बिल्कुल सही है जो कोई बंदे इकट्ठे होके पै जाए जिम्मे वेखो ना वो मेरी जी उस दौर की गल्ला ने वो पूरी हो रही है। हम अमल कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। हाँ तो मोदी फिर मुंह की भी तो खा रहा है ना। मुंह की कड़ी खा रहा है तुम देख लो की तरक्की कर रहे हैं मुल्क। कर्नाटक में देखा नहीं आपने इलेक्शन हार गए 13वीं रियासत है जो हारा है वो गलत पुलिस थी। पूरी गल सुन नावल सराने रख के सुनने वाले पूरी गल सुन। आपको इसमें से क्या गुण नजर आए? मैंने देखा इसकी आंखों के विच ना वो जोश सी। अच्छा मैं जिले देखा ना ये इंज देख रहा सी मैं आख्या बच्चे की अखा जोश सी मैनू नहीं सी पता मेरे पिछे शेर है शेर वेख के डरिया मैं दादा दी जा रहा। अच्छा। जिले एकदम इन्हें छाल मार के दरख्त चढ़िया ना मैं आखो एडा फास्ट बच्चा मैनू तू इन्हें आवाज दी इन्हें कह अंकल पीछे वेखो।
ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਨਾ ਜੀ ਇਹ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਫੇਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਫਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਾਫਟਰ ਕਿਸ ਬਾਤ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਝ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਥੇ ਵੈਸੇ ਤੋ ਆਪ ਅਰਸਤੋ ਔਰ ਸੁਕਰਾਤ ਕੇ ਲੈਵਲ ਕਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਜਾਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਕੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਮੇ ਆਤੇ ਹੈ ਕੌਨ ਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਕੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਆਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਤਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਪਿਆਰ ਔਰ ਲਾਲਚ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋ ਕਿ ਉਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਰੰਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਸੂਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਕੇ ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਸਭੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਤ ਪੜੋ ਦੂਸਰਾ ਆਪਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਮਤ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਤ ਰਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸੇ ਚਨਕਿਆ ਕੋਤਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸਕੇ ਨਤਾਇਜ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਥਰਡਲੀ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਰਚਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਤੇ ਯੂਨਸ ਬੜ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਚਨਾ ਕੀ ਆਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ ਨੋ ਡਿਡ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ नहीं आप इतने जब समझदार बन रहे हैं तो और सारी चीजें भी आप ले लें सारी चीजें पाकिस्तान में या दुनिया में मैं तो नहीं करता कोई और भी कर सकता है और ये जब बंदा कहता है बड़े बंदर के घर पलया है कार वाले ने इनू ड्रेस पूछया तो नीवा होके दसन लगा उन्हें शीशा चढ़ा लिया वाल फस गए ताजी शो को तो मुकना है क्यों अन्नी तने कुट के बने मेरे हाथ सों गए खून थले आ ही नहीं गया सलाम नहीं कहीदा हुंदा इस तरह फिर ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇਹਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਸੰਡਿਆ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟੀ ਰੇੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰਲੇ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਵੇਖੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਹਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਪੰਜ ਛੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖਖ ਖਖ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਗਰਦ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰਤਾ ਜੇ ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਟੀਵੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋ ਮਸਤੀਆਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ ਆਪ ਜਾਏ ਹਮਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਦਬਾਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਾ ਬਟਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਐਪੀਸੋਡਸ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇ ਸੋ ਗੋ ਦੇਰ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਮਸਤੀਆਂ